एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट को ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए इंसर्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट मेनू में 10 ग्रुप होता है, जिसमें ये स्लाइड है, ये टेबल है, ये इमेज है, ये इलस्ट्रेशन है, एडिंग्स है, लिंक है, कमेंट है, टेक्स्ट है, सिंबल है, मीडिया है। इंसर्ट का मतलब होता है स्लाइड में किसी चीज को इंसर्ट करना। तो यहाँ पर जितने भी संबंधित ये आप देख रहे हैं रिबन में जो फंक्शन है, कमांड है, वो सभी इंसर्ट से ही संबंधित हैं। तो पहला जो स्लाइड है उसका मतलब है कि आप अपने स्लाइड में कोई भी नई स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ, आप अगर कोई भी स्लाइड चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आप जितने भी स्लाइड ऐड करेंगे वो यहाँ पर सब आते जाएंगे थंबनेल व्यू में। दूसरा है टेबल। टेबल का मतलब है आप अपने स्लाइड में कोई भी टेबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप ये माउस को जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे टेबल बन चुका है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से टेबल बन जाता है। ये टेबल डिफॉल्ट रूप से यहाँ तक आता है, आप अपना माउस को जहाँ तक लेके जाएंगे उतना यहाँ पर टेबल बनते जाएगा। अगर आप छोटा टेबल बना रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर आपको और बड़ा टेबल इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कॉलम चूज करना है और यहाँ पर रो चूज करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट को डाल सकते हैं। टेबल जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पर टेबल से संबंधित कलर आते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ से चुन सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर अपने टेबल के लिए चुन सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। टेबल में ये टेबल स्टाइल एंड ऑप्शन करके ग्रुप है। हेडर रो का मतलब होता है ये जो आप नीला भाग में देख रहे हैं, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हाईलाइट चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो टोटल रो करके लिखा हुआ है, टोटल रो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टोटल रो जो है यहाँ पर नीचे जो टोटल किया जाता है ये रो जो है हाईलाइट हो जाता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो इस तरीके से हो जाता है। तो अगर आप नीचे का भी रो हाईलाइट चाहते हैं तो टोटल रो पर क्लिक कर दीजिए। ये जो बाउंडेड रो होता है इसका मतलब होता है कि ये जो आप बीच में देख रहे हैं हल्का कलर हुआ है इसमें, तो अगर आप बाउंडेड रो को अनचेक कर देते हैं तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन बाउंडेड रो करने से देखने में अच्छा लगता है और आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए बाउंडेड रो को कर देंगे तो इस तरीके से आता है। ये जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम का मतलब होता है ये पूरी तरह से पहला जो कॉलम है वो पूरी तरह से हाईलाइट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए पूरी तरह से हाईलाइट हो जाता है। और ये जो लास्ट कॉलम है अगर इस पर क्लिक करेंगे ये लास्ट कॉलम पूरी तरह से हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। बाउंडेड कॉलम को अगर आप क्लिक करते हैं ये इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। एक रो को छोड़ करके दूसरा रो जो है पूरी तरह से कलर में हो जाता है और ये एक रो जो बचता है वो एक छोड़ के एक होता है। तो बाउंडेड कॉलम इस तरह से हो जाता है जिसका यूज कम ही होता है। इसके बाद आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जो आपने देखा ही। अब इसमें यहाँ से शेडिंग है, बॉर्डर है, इफेक्ट है, क्विक स्टाइल है और फॉन्ट है, कलर है, पेन कलर है, बहुत से ऑप्शन अभी इसमें हैं जिसे मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इंसर्ट मेनू के बारे में बता रहा था तो मैं इंसर्ट मेनू पर आता हूँ। इंसर्ट मेनू में तीसरा ग्रुप है इमेज। इमेज का मतलब होता है कि आप यहां से कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं अपने स्लाइड में अपने कंप्यूटर से। दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है कि आप ऑनलाइन पिक्चर कोई भी वेबसाइट से यहां पर अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने ऑनलाइन ड्राइव में अगर कुछ रखे हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं।
बिंग सर्च से आप इमेज सर्च कर सकते हैं, और वन ड्राइव पर्सनल में अगर आप कुछ रखे हैं अपना कोई फोटो इमेज तो आप यहां से उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा है स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो आप इससे स्क्रीनशॉट जो है लेकर के इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको जिस एरिए का स्क्रीनशॉट चाहिए आप उस एरिए को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने पे ये एरिया यहाँ पर आ जाता है स्क्रीनशॉट के साथ। चौथा है फोटो एल्बम। ये फोटो एल्बम से आप एक नया फोटो एल्बम बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इंसर्ट मेनू का चौथा ग्रुप है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन में पहला है शेप। आप जो है यहाँ पर क्लिक करके ये जितने भी शेप हैं इनमें से कोई भी शेप आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में इन शेप के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है, तो आप यहां से इस तरह से कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। शेप ऐड करने के बाद यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। तो फिलहाल मैं इंसर्ट मेनू के बारे में बता रहा हूँ तो वहां पर आता हूँ। ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से आप अपने स्लाइड में स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं, लिस्ट का डाल सकते हैं, प्रोसेस, साइकिल, बहुत सारे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट हैं। आप जो चाहें वो यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको लेता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट, तीनों का टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर हैं, स्टाइल हैं, जो इस तरह से आप कोई भी कलर स्टाइल यहां से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अभी बहुत से फंक्शन हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे आप कोई स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसे सेटिंग करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इंसर्ट के बारे में बताता हूँ। ये है चार्ट। यहाँ से आप कोई भी चार्ट अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं जानकारी अपने पहले वीडियो में दिया हूँ। इसके बाद आता है एड इंस। यहाँ पर आप गेट एड इंस पर क्लिक करके कोई भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना खुद का कुछ अगर रखे हैं तो उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिंक आता है। लिंक का ऑप्शन तभी काम करता है जब आप कोई टेक्स्ट पर काम करते हो। जैसे ये टेक्स्ट है, अगर आप इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तब आपको यहाँ लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी, जैसे कि ये पेंट करके नोट पैड करके है तो नोट पैड का मैं लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब जो है आप हिंदी टेक्निक पर जैसे ही माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नोट पैड डॉट इन करके लिखा हुआ है, और जैसे आप कंट्रोल की को दबा करके नोट पैड, यहाँ से आपका जो है नोट पैड ओपन हो जाता है। इस तरह से नोट पैड ओपन हो जाता है। लिंक का आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक्शन जो होता है, एक्शन का मतलब होता है कि आप जो है इसमें कोई हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं या फिर माउस ओवर टेक्स्ट डाल सकते हैं यहाँ से आप। सातवां है कमेंट। आप यहाँ से कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड में। अब ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप जो पहला है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करके आप कोई भी नया टेक्स्ट बॉक्स अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, चाहे जितना चाहे उतना आप ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर पर क्लिक करके आप अपने स्लाइड में हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर डेट अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। 1/4/2019 आज का डेट है अप्रैल। ये है स्लाइड नंबर। आप इस पर क्लिक करके स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यह है इक्वेशन। आप इस पर क्लिक करके कोई भी यहाँ से अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, इसके बाद उसे एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इन सारे ऑप्शन की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो फिलहाल इंसर्ट के बारे में जानते हैं। अब लास्ट है मीडिया। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑनलाइन वीडियो इसमें अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से वीडियो ऐड कर सकते हैं। यह है ऑडियो। ऑडियो पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में जो ऑडियो है उसे ऐड कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपना खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड में। यह है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड करके उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट मेनू की जानकारी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे बताना बाकी है, तो आगे मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैंने अपने पहले वीडियो में फाइल और होम के बारे में जानकारी दिया था और ये विंडो के बारे में पूरी जानकारी दिया था। इस वीडियो में इंसर्ट के बारे में बताया, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।